एंटर अंडमान निकोबार में निकोबार छोड़ के 539 किलोमीटर रोड का हालत बहुत ही बुरा है, एक्सट्रीमली बैड है। 242 बैड कंडीशन इज 397, जोड़ दो कितना हुआ, इन्होंने बोलता 120 किलोमीटर किया, माइनस करके नेट आया 539 किलोमीटर रोड्स का बुरा कंडीशन है। कारण क्या है, इंटर पीआरए मिडिल नॉर्थ ने कर दिया बायकट। मेरा अनुरोध है कुलदीप शर्मा जी क्या किया, आज तक परमानेंट क्वेश्चन कुलदीप नहीं किया। मैं जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में था, जब भाईपद्दी बचा था कांग्रेस पार्टी चाइना के साथ मिलते हुए अलायंस पार्टनरशिप में, हम विरोध किया था, हंगामा किया था, मोशन मूव किया था अगेंस्ट कॉलिंग अटेंशन, मोशन मूव किया मैं किया था। तो कुलदीप शर्मा जी ये चार साल साढ़े चार साल क्या किया, आपने एक सॉल्व नहीं किया पार्लियामेंट क्वेश्चन में। क्यों, आपको मालूम होगा जब पिछले बार में एमपी में थे तो 340 करोड़ एक्स्ट्रा फंड लाया था सेंट्रल रोड फंड सीआरएफ फंड, वो फंड भी अभी इस बार नहीं आया। जब जाएगा तो फंड लाएगा ना, क्या बोला अंडमान ट्रंक रोड। आज कुछ लोग बोलते हैं इससे पीडब्ल्यू रोड ठीक था, उनको जानकारी नहीं है ये नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे ऑर्डिनरी रोड का क्या डिफरेंस है। हमारा बजट लिमिटेड है, 6000 करोड़ बजट में 600 करोड़ मिलता काम करने के लिए, न्यू वर्क्स के लिए। रास्ता बनेगा, डेवलपमेंट होगा, तो नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है, नितिन गडकरी जी थे। तो नेशनल हाईवे के बाद वाजपेयी जी कहते थे एक साल में आई डी मीटिंग में अवेलेबल है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट तो किया ही नहीं, फिर मोदी गवर्नमेंट के समय काल में एक काम मैं कराया। आज नेशनल हाईवे काम क्या है, जो फर्स्ट फेज में काम हुआ जब मैं एमपी थे स्पॉट में था, वो बिडनाबाद से आगे से नंबर 2 रास्ता नेशनल हाईवे बना, तूफान हुआ, बारिश हुआ, गड्ढा हुआ, रिपेयर हो गया। जो काम बकाया था, एरियस था, सिर्फ बिगाड़ दो ब्रिज बना रहे हो, ड्रेन बना रहा है तो पानी ना घुसे, वो काम कर रहे हैं। क्यों, नेशनल हाईवे काम चलते रहेगा, शुरुआत का साथ ये आगे बढ़ेगा, मेंटेनेंस होगा, टाइम टाइम वो करेंगे। इसमें रुपया हमारा कभी नहीं आएगा, पैसा सरकार देगा, दिल्ली से देगा, बजट से देगा। उसका दो पोर्शन में काम, उत्तरा ब्रिज टैंडली बन गया जब थे, बारटंग ब्रिज नहीं बना, वो कंपनी ठीक नहीं था, कमजोर था, साथ में कुछ नेताओं ने अफसर मिलकर उनको तंग किया, पैसा लिया, वो भी कारण है। और नेशनल हाईवे गाइडलाइंस में जो तो कभी क्वारी देने की बात नहीं था, जो फर्स्ट फेज में नेशनल हाईवे बनाया उसमें क्वारी कलेक्शन की बात नहीं था। उदाहरण देता हूं, उत्तरा ब्रिज वो पत्थर तो क्वारी में इंक्लूड था, जो पत्थर ब्रिज बनाया वो पत्थर इंक्लूड था उसके अंदर में, वो भी पत्थर गवर्नमेंट से ले लिया। ये जो रोड बनाया पत्थर गवर्नमेंट से नहीं लिया, ये बाद में कुछ कारण से ऐड हुआ, वो ऐड किस किया, इतना गलत हुआ क्यों। बारटंग ब्रिज का दो तरफ शुरू करना था, एडमिनिस्ट्रेशन अफसर अपनी एक तरफ करना था, अपना मर्जी, वो भी सर अभी नहीं है, वो रास्ता खत्म हो चुका है। उसको लेके कुछ लोग बोलता जे सब हम सुनता है, उससे अच्छा पीडब्ल्यू रोड था। अब मैं कहता हूँ तो आप लोग कराया क्यों नहीं है, 1000 करोड़ लगा पीडब्ल्यूडी तो रास्ता बनेगा, एटीएम मिल सकता 600 करोड़ मिलेगा, तो पीडब्ल्यूडी 1000 करोड़ ले लेगा तो बाकी लोग क्या करेगा, बोलो, स्कूल कॉलेज हॉस्टल रोड्स ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, क्योंकि वो बजट पढ़ाई नहीं किया, अकाउंट्स नहीं देखा, फाइनेंस नहीं देखा। उस कारण से ये हुआ, मैं गडकरी से मुलाकात करके आ रहा हूं। गडकरी जी ने बोला मीटिंग बुला के इस कार्रवाई करेंगे, टाइम लगेगा, टाइम होगा, कार्रवाई शुरू हो रहा है, शायद ड्राई सीजन में इसका काम होगा। गुस्सा लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों बैठा है, मैं पूछता हूँ, 7 साल लेफ्टिनेंट हो गया, हम एमपी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकता, तब सैंक्शन हुआ था, ये चुप क्यों है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम क्या, रोल क्या है, मच्छी मरना और घूमना, क्या बोला, पब्लिक से मिलेगा नहीं, शिकायत सुनेगा नहीं, डीपी से करेगा नहीं, स्टेट प्लान बोर्ड वो भी खुद नहीं करता, प्लान क्या बनता है, प्लान कौन बनाएगा, पीआरए मेंबर, पंचायत समिति, जिला, एनएमपी,
तो एलजी साहब आप कम से कम बाहर आओ, देखो आप ये अंडमान निकोबार का अमित शाह जी के पास क्यों जाएंगे हम लोग, बोलिए। इस पर खास करके अमित लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको काम को हाथ में टेकअप करें। आपको ना हो छोड़ दो पोस्ट, आपको बहुत लोग लायक है एलजी बनने के लिए, क्या बोला ये मैं आज आपको अनुरोध करके कहता हूँ। मैं मांग करता हूँ एनिट के ऊपर एक सीबीआई बैठा है, ये शराब टीका किस किस को मिलता है, शराब दुकान खोल दो क्या अंडमान शराब खोलने की जगह एनिट को आया है? एनिट को का गाइडलाइंस में मेमोरेंडम एसोसिएशन में आर्टिकल्स में लिखा है शराब खोलना बेचना, विकास के लिए शराब खोल बिजनेस करता क्या एनिट को? इसके सीबीआई इंक्वायरी कराया एनिट को, मुझे पूरा पूरा ज्ञान है एनिट को में ह्यूज करप्शन है शराब को लेकर, पहले भी आज भी हो रहा है। आज अंडमान में ड्रग्स देखकर बोल ड्रग्स गंजे लेके आया तो शराब क्या है पूरा छोटा है क्या बताओ, गवर्नमेंट कर रहा है गंजा आएगा शराब पे क्यों, गंजा वाला शराब क्यों नहीं पिएगा, शराब पहले गंजा क्यों नहीं पिएगा, उसको बंद करो पहले ये सिस्टमेटिक करो, उस पर चिंता नहीं है। ऊपर साहब पीता क्या शराब पिला तो टेस्ट नहीं होता है, मैं अनुरोध करूंगा शराब का टेस्ट करो, सामने मीडिया को लाओ क्या क्वालिटी क्या चीज़ है, क्या दाम पसते क्या दाम परचेस किया गया, कितना में बिक्री किया, कितना वेस्टेज हो गया बताओ, पूरा एक आई सी बी आई मालूम हो जाएगा क्या क्वेश्चन है। एनिट को क्या कर रहे हैं, जमीन लिया फ्री में दिया ताज ग्रुप को, कमाता पैसा रेंट, पैसा कहाँ गया बताओ, जो डिपार्टमेंट बनाया था अंडमान प्लान फंड से तुम तो ले लिया, तुमने अपना क्या बताओ क्या किया बताओ। इसलिए एनिट को में जो लोग ऑफिसर लोग गए सबको पर फाइल खोलो सीबीआई का, ये मेरा मांग है। मैं फिर कहता हूं जनता मुझे चुने पार्टी मुझे टिकट दे दे एकदम लाइन रोड बन जाएगा, चकाचक बन जाएगा, चकाचक बना देगा, मैं पक्का जाता हूँ। अरे मैं चोर नहीं है, डरता नहीं बोलने के लिए भी। अब रंगत मीटिंग करने गया एटीआर के ऊपर में, एटीआर पर क्या किया आपने, एक मोशन नहीं किया, जीरो आर में नहीं बोला, क्वेश्चन भी नहीं किया, झंडा बिना पार्टी मीटिंग, आपका मिडिल नॉर्थ का पीआरआई ज्वाइन कर दिया मूवमेंट के अगेंस्ट में, एडमिशन वर्क कर दिया, आप क्या करता था बेटा बताओ, और प्रियाणी देख के पैसे लेके मीटिंग कर दिया नेशनल हाईवे का नाम पर, मैं शिप लेके चलता था अभी, वो सिंधु सिंधु जहाज सब मैं लाया, वो लाया नहीं है, मेरा प्लान था।